नंदू सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है चंदू, बोलो। अरे मैं कह रही हूँ डोरबेल सुनाई नहीं दे रही है, जाके देखो दरवाजे पर कौन है। अरे चंदू दरवाजे पर जाने की क्या जरूरत है, मुझे पता है कौन है। तुम्हें यहीं से दिख गया दरवाजे पर कौन है? अरे मुझे क्या चंदू, तुम भी देख सकती हो, देखो दरवाजे पर तो माँ ही है। अरे मैं कह रही हूँ हमारे दरवाजे पर कौन है ये देख कर आओ। चंदू कितनी भोली हो तुम, अब हमारे दरवाजे पर कौन है ये हमारे टीवी में कैसे दिखेगा? ठीक ही तो कह रहा है मेरा भोलू बेटा, भला दरवाजे पे कौन है ये हमारे टीवी में कैसे दिखाई दे सकता है? तू ना खाम खाई मेरे बच्चे को डांटती रहती है। देखो ना मम्मी जी। हाँ पुत्र, हाँ मेरे लाल। ये क्या है चंदू? नंदू कुरियर वाले ने सगाई का इनविटेशन दिया है। हायो रे बा, अब तू कुरियर वाले की सगाई में भी जाएगी? नंदू पुत्र ये ना कभी भी कहीं भी चली जाती है। अरे मम्मी जी मेरे दोस्त की सगाई है। कुरियर वाले से? अरे चुप करो यार, मेरा फ्रेंड था ना विक्रम, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसकी सगाई है। उत्तरी बेस्ट फ्रेंड, वो भी एक लड़का? अरे मम्मी जी अभी तक तो वो कुंवारा था। मम्मी लेकिन अब उसकी सगाई होने वाली, मैं तो बहुत खुश हूँ। हम लोग ना कल उसकी सगाई में पक्का जाएंगे। ओके हाँ हाँ चंदू चलेंगे, बहुत मजा आएगा वहाँ पर फ्री का खाना खाने में। आखिर ये इतनी खुश क्यों है अपने बेस्ट फ्रेंड की सगाई को लेकर? कहीं चांदनी और विक्रम का शादी से पहले कोई चक्कर तो नहीं था? पता लगाना पड़ेगा। नंदू पुत्र, ये कौन सा बेस्ट फ्रेंड है बहू का? वो विक्रम जिसके बारे में वो बात कर रही थी? होगा कोई मम्मी जी, हमें क्या करना है? लेकिन बेचारा सगाई कर रहा है, भगवान उसका भला करे। खैर छोड़ो मम्मी जी, हमें तो खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। खाने को तो छोड़। अरे क्यों छोड़ू मम्मी जी, इनविटेशन आया है, मैं तो बिना इनविटेशन वाली जगह पे भी खाना नहीं छोड़ता। बोलू पुत्र तू ना बहुत ही ज्यादा भोला है। मैं पूछ रही हूँ ये बहू का कौन सा फ्रेंड है, वो भी एक मर्द। मम्मी जी मुझे क्या पता। अरे शहरों में तो अलग अलग टाइप्स के फ्रेंड्स होते हैं ना, होगा कोई ना कोई। हाँ मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ, पर उसकी सगाई पे खुश बहुत हो रही है ये। अरे मम्मी जी सगाई में फ्री का खाना खाने का इनविटेशन मिला है तो खुश नहीं होगी क्या? मैं भी बहुत खुश हूँ, अब इसे अपने पेट में जगह बना रहा हूँ। बाबा जी ये मेरा भोलू बेटा भी कितना नादान है। यार की सगाई में जाएंगे, खूब मस्ती उड़ाएंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, ला 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 ला। अरे यार की सगाई में जाएंगे। हायो रे बा, सगाई तो इसके दोस्त की हो रही है, फिर ये इतना क्यों चहक रही है? चंदू दीदी, चंदू दीदी पप्पू को देखा क्या? नहीं यार वो तो शूट पे गया है। शूट पे गया, मुझे तो बताया नहीं उसने। क्या बात है, आप इतना चहक क्यों रहे हो आज? अरे चहकना नहीं, गुनगुनाना कहते हैं। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, पर इतना खुश क्यों लग रहे हो? मम्मी जी पटियाले जा रही है क्या? क्या बोले फिर से बोल। आप इतना खुश क्यों लग रहे हो? अरे नहीं उसके बाद क्या बोली वो बोल। उसके बाद मैंने ये बोला कि मम्मी जी पटियाले जा रही है। सुन के कितना अच्छा लगता है ना है? पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। अच्छा पर बात क्या है, खुश क्यों हो इतना? अरे यार मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना विक्रम, उसकी शादी होने वाली है। अच्छा इसका मतलब है कि अब आपको अपनी नई ड्रेस का शो ऑफ करने का मौका मिला है, इसलिए खुश हो ना? अरे वो बात तो है, लेकिन असली बात क्या है तुझे पता है? नहीं। मेरा फ्रेंड है ना विक्रम, वो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था,
और वो मुझे पसंद भी किया करता था। क्या बात कर रहे हो चंदू दीदी, आप तो बिल्कुल छुपी रुस्तम निकली। फिर क्या हुआ? पर मैं तो नंदू को पसंद करती थी ना। नंदू भाई को बचपन से डिफेक्ट था क्या ट्यूबलाइट में? क्या? कुछ नहीं, आप कुछ बता रही थी विक्रम के बारे में। हाँ फिर? हाँ तो विक्रम मुझे पसंद करता था। वैसे लड़का बुरा नहीं था, उसने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने तो नंदू से शादी कर ली ना। नंदू भाई से शादी कर ली? सच कहते हैं, होनी और अनहोनी को कौन टाल सकता है। क्या बोल रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं, यू कंटिन्यू। तो विक्रम को जब मैंने शादी के लिए मना किया ना, उस बेचारे का दिल टूट गया। फिर वो चला गया बैंगलोर। अब जाके 10 साल बाद वो शादी के लिए रेडी हुआ है। वैसे इस बीच हम कभी मिले नहीं, फोन पर बातें करते रहते थे, चिट्ठियां लिखते रहते थे। अब बेचारा सगाई के लिए रेडी हुआ है। मैं तो चाहती हूँ कि अब वो खुश रहे। वैसे चंदू दी, उसने आपका पूरे 10 साल इंतजार किया और अपने सगाई वाले दिन आपको इतने खूबसूरत ड्रेस में दोबारा देख करके फिर से ना दिल फिसल जाए उसका। पागल है क्या? ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे। वो तो मुझे पता है। हाय रब्बा, कितना सुंदर लग रहा है मेरा बच्चा। माँ की नजर ना लग जाए। मम्मी जी, लेकिन आप मुझ पर क्यों थूक रही हैं? अरे ये थूक नहीं रही हूँ, मैं ना तेरी नजर उतार रही हूँ। खैर, मैं ना तुझे काला टीका लगा देती हूँ। चकदार चकदार नजर ना लगे। मम्मी जी, इन्हें किसकी नजर लगेगी? खड़े मत तेरे ना, इतना गोरा चिट्टा सुंदर बच्चा है मेरा, किसी की भी नजर लग सकती है। वैसे ये सगाई में जाने की तैयारी हो रही है क्या? मम्मी जी, आप मेरी दोबारा सगाई करवा रही है क्या? बस सुनने में कितना अच्छा लगा। दोबारा बोल, दोबारा बोल। मम्मी जी, आप मेरी दोबारा सगाई करवा रही हैं क्या? आए, बस ऐसे ही बोलता रहे पुत्र, ऐसे ही बोलता रहे। पर अगर चांदनी नहीं मानी तो? हाय हाय रब्बा, किस मैंने उसका नाम ले दिया, सारा मूड ही खराब हो गया। पर मम्मी जी, मैं दोबारा कैसे शादी कर सकता हूँ? मेरी शादी तो हो गई है ना चांदनी से। मुझे इसी बात का तो अफसोस है। अच्छा, तो फिर ये कपड़े मैं चेंज कर लूं? ओए भुलक्कड़ चांद, ये कपड़े मैंने तुझे तेरी सगाई में पहनने के लिए नहीं पहनाए हैं, ये मैंने चंदू के दोस्त की सगाई में जाने के लिए पहनाए हैं। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, फ्री का खाना। मम्मी जी, मैं चंदू की दोस्त की सगाई में जाके धूम मचाने के लिए रेडी हूँ। क्या बात है नंदू भाई, आप चंदू दीदी के बेस्ट फ्रेंड की सगाई में जाने के लिए इतने एक्साइटेड है? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। लेकिन यार बच्चे होते ना तो और भी मजा आता। पर बच्चे कहाँ गए? अरे ताने, अब बच्चे ना अपनी नानी के घर पे रुक गए। पर ये अच्छा हुआ कि मैं वापस आ गया, क्योंकि एक तो इतने टाइम बाद किसी ने पार्टी का इन्विटेशन दिया है, क्योंकि आजकल तो वर्मा फैमिली के लोगों को पार्टी का इन्विटेशन आता ही नहीं है ना। बहुत मजा आएगा, और वैसे भी ये चंदू के बेस्ट फ्रेंड की सगाई है तो जाना तो बनता ही है। कमाल है नंदू भाई, समझ ही नहीं आता कि आप चंदूरी से इतना प्यार करते हैं, या वो विक्रम, पूरे 10 साल उसने चंदूरी के इंतजार में शादी नहीं की, अब कर रहा है बेचारा। क्या? मैंने कुछ गलत कहा क्या? ए तानिया, तूने क्या कहा कि विक्रम चंदू को प्यार करता था? मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, चंदू दीदी ने तो बहुत पहले ही मना कर दिया था उसे, और नंदू भाई से शादी भी कर ली है ना। और वो भयानक दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ? चंदू ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? मम्मी जी, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं आती हूँ। नहीं, नहीं, पूरी बात बता के आती हूँ। काम है। ए सुन तानिया, ए सुन। मम्मी जी, ये तानिया क्या बोल के गई? अरे नंदू पुत्र, तू बहुत भोला है। चलो पहले शक था। अरे मम्मी जी, नंदू पुत्र, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। नहीं नहीं मम्मी जी, ठीक ही है, पिछले महीने तो लाए थे, कितना नया है। नंदू पुत्र, मैं सोफे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चंदू और विक्रम की दोस्ती की बात कर रही हूँ। ओ मम्मी जी, उनकी दोस्ती तो नई नहीं है, पुरानी है बहुत। वो यही तो परेशानी है। मैं तुझे पूछ रही हूँ कि तुझे इसके बारे में पता था? अरे मम्मी जी, इसके बारे में तो सबको पता है, मैं ही तो लेकर आया था। नो नो नो, ओए मैं इस तकिए की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि विक्रम चंदू से प्यार करता था शादी से पहले,
ये तुझे पता था? हाँ मम्मी जी, चंदू ने मुझे सब बता दिया था। आयो रब्बा, ओए पुत्र तू बड़ा भोला है, ये सब जो ठीक नहीं लग रहा है। क्या बात कर रही है मम्मी जी, आपने तो दिए ये कपड़े मुझे। हाय ओए, मैं तेरे कपड़ों की नहीं उस छिछोरे विक्रम की बात कर रही हूँ। सुन नंदू पुत्र, तू ना सगाई में उस विक्रम पे नजर रखना, इन छिछोरों का कोई भरोसा नहीं होता, क्या पता सगाई में वो चंदू पर लाइन मारने की कोशिश करे। क्या ऐसा हो सकता है मम्मी जी? हाँ पुत्र, आजकल जमाना बहुत खराब है, चंदू पे पता नहीं कोई कैसे लाइन मार सकता है। लाइन तो मुझ पर मारते थे मेरे मोहल्ले के लड़के जब मैं कॉलेज जाया करती थी, उसी में तेरे बाबूजी भी थे। बाबूजी इतने संस्कार से लाइन मारते थे, इतने संस्कार से लाइन मारते थे कि मैं पट गई। मम्मी जी अब मैं क्या करूं? तू ना पुत्र उस विक्रम पे नजर रखना। अच्छे जी, हो सकता है वो दोबारा बहू के पास आने की कोशिश करे, उसे अपना पुराना प्यार याद दिलाने की कोशिश करे। मम्मी जी, नंदू, मैं तैयार हूँ, चलिए। हाँ हाँ पुत्र, हम लोग भी तैयार हैं। हाय 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 हाय, आज तो कुछ ज्यादा ही तैयार हुई है तू। नंदू पुत्र, मैंने जो कहा है ना उस बात का ख्याल रखना। हाँ ओके ओके मम्मी जी, चलो। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।